हाय एवरीवन। सो बेसिकली आज हम बात करेंगे सेल्स लीड नर्चर के बारे में, सेल्स लीड नर्चर वर्सेस फेस्टिवल ओकेशंस। सो बेसिकली सिस्टम वर्क कैसे करता है कि जो भी लीड हमारे पास डेटाबेस में आएंगी, चाहे फिर वो हम इंटरफेस के थ्रू अपलोड करते हैं या बेसिकली जाके कॉपी पेस्ट कर देते हैं डेटाबेस में, उन सब सभी लीड पर टाइम टू टाइम वन बाय वन डिफाइंड टेम्पलेट्स के ऑटोमेटिकली रिमाइंडर्स क्लाइंट को जाते रहेंगे। जितने भी टेम्पलेट्स आप डिफाइन करें, 10, 20, 50 की कोई लिमिट नहीं है। टेम्पलेट डिफाइन करने के लिए भी आप यूआई के थ्रू ही टेम्पलेट डिफाइन कर सकते हैं, गूगल शीट पे आपको वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। सो बेसिकली इस मॉड्यूल में आपको गूगल शीट ओपन भी नहीं करनी है, आप अपने यूआई से, अपने मोबाइल से ही एक्सेस कर पाएंगे इस यूआई को और वहाँ से ही सब कुछ ऑपरेट कर पाएंगे। सो बेसिकली बात करते हैं ये वर्क क्या क्या वर्क करता है। ये सिस्टम वर्क करता है ऑन सेल्स नर्चर, और ये सिस्टम वर्क करता है ऑन ऑटोमेटेड फेस्टिवल विशेस, राइट। सो बेसिकली अगर हम आज बात करते हैं, एक लीड एंट्री पास करते हैं, लाइक ये मोबाइल रिस्पॉन्सिव प्रोडक्ट है, इसको आप मोबाइल से या डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, टैब से, किसी से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास कोई लीड आई है तो उसका मैसेज कैसे जाएगा, तो मैं एक लीड एंट्री आपको सामने पास करके दिखाऊंगा और एक मैसेज मैं आपको भेज के दिखाऊंगा नर्चर का, कि जो टेम्पलेट हम डिफाइन कर रहे हैं नर्चर का मैसेज कैसे जाएगा, एंड देन एक फेस्टिवल का मैसेज। सो गाइज आप देखेंगे मैं यहाँ पे चला गया एंड मैंने इस पे डिफाइन कर दिया है लाइक कि कंपनी का नेम क्या है। कंपनी का नेम हो गया हमारा स्मार्ट आईटी बॉक्स। इंडस्ट्री टाइप क्या है, तो आप इंडस्ट्री टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से। लाइक अभी हमने जो इंडस्ट्रीज डिफाइन की हुई है गूगल शीट में, तो ये वहां से ही डेटा उठा रहा है, तो अभी आप डिफाइन कर दीजिए। लाइक साइकिल इंडस्ट्री है, स्टेट में अगर आपने दिल्ली सेलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली सिटी अपडेट हो जाएंगी, तो दिल्ली के अंडर आने वाली सभी सिटीज इसमें अपडेट हो जाएंगे। आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, और डील्स इन लाइक गूगल शीट ऑटोमेशन, और नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट पर्सन कितने हैं। सो सपोज आपने डिफाइन किया एक है एंड एड कॉन्टेक्ट पर्सन किया, तो आपके पास एक लीड एंट्री पास करने के लिए ओपन हो गई है। एंड अगर आप दो करते हैं तो आपके पास राइट साइड में दो रोज ओपन हो जाएंगी कि आप दो पर्सन के कॉन्टैक्ट नंबर्स डिफाइन कर सकते हैं। तो उस हर एक कॉन्टैक्ट पर्सन को किसी भी कंपनी के रेफरेंस में पर्सनली मैसेज आएगा उसके नाम से एंड देन कंपनी के नाम से। अब आप उसके नाम से मैसेज भेजना चाहते हैं और उसकी कंपनी के नाम से, ये भी आपके ऊपर है, ये भी आप डिफाइन कर सकते हैं यूआई के थ्रू ही। कैसे, लाइक अगर मैं एंट्री पास करता हूँ कि अजय काजला, और मैं यहाँ मैसेज डाल रहा हूँ डेजिग्नेशन में आ गए एंड लाइक स्वीटी काजला, मोबाइल नंबर और सीईओ, राइट। ये डिटेल्स हमने पास कर दिए हैं, हम सबमिट करते हैं इसको। तो आप देखेंगे अभी हमारे अभी की केस में गूगल शीट पे जो लीड पैनल है बिल्कुल ब्लैंक है। ये जो लीड पैनल है अभी हमारा बिल्कुल ब्लैंक है, तो इसमें आप देखेंगे कि कुछ भी डेटा नहीं है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। अब मैं इसको सबमिट करूंगा तो आप देख पाएंगे कि मेरा डेटा बैक एंड बैक स्टोर हो जाएगा। मैंने किया सबमिट, ओके। रिकॉर्ड स्टोर्ड, ओके। अब हम चलते हैं शीट पे, तो आप देखेंगे शीट पे हमारा रिकॉर्ड स्टोर होके आ गया है। यूआईडी एक ही इसलिए आई है क्योंकि कंपनी एक ही है, उसके मल्टीपल पर्सन है, राइट। कॉन्टेक्ट पर्सन मल्टीपल्स हैं, दैट्स वाई ये यहाँ पे ही आया है। अच्छा अब हम बात करते हैं बेसिकली इन दोनों पर्सन को मैसेज जाना चाहिए। तो मैसेज में हमने टेम्पलेट क्या डिफाइन किया हुआ है, हम वो देख लेते हैं एक बार। तो लाइक मैं नर्चर में गया, नर्चर टेम्पलेट पर क्लिक किया, सो नर्चर टेम्पलेट पे जो भी मेरा डेटा अभी अवेलेबल है एट द सेम टाइम, तो क्या मैसेज है, वो ये मैसेज है। अगर कोई दूसरा अपडेट करना है या दूसरा टेम्पलेट डालना है तो वो हम यहाँ से डाल सकते हैं। लाइक मैं एंट्री पास करते करके दिखाता हूँ कि दो नंबर का फ्रीक्वेंसी, लाइक इन फ्रीक्वेंसी इन द सेंस ऑफ कि लीड आने के कितने दिन के बाद मैसेज जाना चाहिए, क्या मैसेज जाना चाहिए, वो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। सो सपोज मैंने डिफाइन किया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी एक, यानी लीड आने के एक दिन के बाद ये मैसेज चला जाएगा, 2 दिन के बाद क्या मैसेज जाना चाहिए। उसके बाद पूछता है कि प्रीफिक्स क्या डिफाइन करना है, कि कंपनी का नाम जाना चाहिए या उस पर्सन का नाम जाना चाहिए, दोनों जाना चाहिए। तो हम इसमें कर देते हैं बोथ, और सैल्यूटेशन भी कर देते हैं हाय, हाय कर देते हैं, एंड यहाँ लिख देते हैं दिस इज द न्यू सेल्स
नर्चर सिस्टम, सिर्फ इतना ही लिखते हैं यहाँ पे। सो बेसिकली आप देखेंगे अगर आपको इसमें कोई इमेजेस इमोजी भी पास कराना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो भी इंटरनेट पे इमोजेस अवेलेबल होंगे वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, इवन आप सर्च भी कर सकते हैं। सो गाइज इस तरह ये वर्क करता है, मैंने सेलेक्ट कर लिया इमोजीज। आपको व्हाट्सएप पे जाके इमोजीज कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे ऊपर मैंने इंग्लिश में लिखा है, दूसरा मैंने डुअल लैंग्वेज में रखा हुआ कि अगर आपको कोई दूसरी लैंग्वेज में टाइप करना है तो आप दूसरी लैंग्वेज में भी डाल सकते हैं। तो मैं अभी आपको दूसरी लैंग्वेज में भी सेम टेक्स्ट को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके यहाँ पे दिखाता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे चला गया, मैंने हिंदी टू इंग्लिश किया हुआ, मैंने उसको पेस्ट कर दिया और सिंपली यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। राइट, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। मुझे इसमें कुछ इमोजीज डालने हैं, मैं वो भी इमोजीज ऐड कर देता हूँ। लाइक ये मुझे इमोजीज इनपुट देने हैं एंड सैल्यूटेशन डाल देते हैं, नमस्कार ये उठा लेते हैं, नमस्कार जी। और इसमें इमोजीज नहीं डालेंगे सैल्यूटेशन में, राइट इमोजीज नहीं डालेंगे। अब हमारे को इमेज अपलोड करनी है। सो गाइज इसमें हम इमेज एक ऐड कर देते हैं, लाइक ये इमेज हो गई एंड ओपन, इमेज अपलोड हो रही है। द बेस्ट पार्ट इज गाइज कि आपको सिर्फ कंटेंट ही डिफाइन करना है, इसमें आपको बॉटम में क्या जाना चाहिए वो डिफाइन नहीं करना है, क्योंकि जिस कंपनी के लिए ये डिप्लॉय किया जाएगा ऑटोमेटिकली उसी कंपनी का नाम सेल्फ व्हाट्सएप पे मैसेज में जाएगा। सो अभी बेसिकली स्मार्ट आईटी बॉक्स के पास है ये सिस्टम, तो स्मार्ट आईटी बॉक्स का जाएगा, मैं वो भी दिखाऊंगा कैसे जा रहा है। अगर किसी और कंपनी को देंगे तो उसका ऑटोमेटिकली फिर उसके नाम से जाएगा बॉटम में। ओके, तो अभी आपने देखा रिकॉर्ड सक्सेसफुली स्टोर्ड, ओके किया। तो आप देखेंगे पहले हमारा एक फ्रिक्वेंसी आ रही थी, राइट सैल्यूटेशन आ रहे थे, पहले एक कंटेंट मैसेज आ रहा था, अभी हमारा दूसरा मैसेज में यहाँ पे अपडेट हो गया है। आपको लगता है कि पहले वाले मैसेज के बाद दूसरे वाले मैसेज में हमें कुछ चेंज करना है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो वापस सारा डेटा फिल्ड हो गया और आप यहाँ पे इसको चेंजेस कर सकते हैं। राइट, मैंने चेंजेस कर दिए इसको, मैंने सो माइनर से चेंजेस कराए हैं आपको बताने के लिए, सबमिट करूंगा। तो बेसिकली गाइस इसमें आपने देखा कि जब आपने सारा डेटा अपलोड किया था तो उस टाइम इमेज थी, अब इमेज अपलोड की इसमें जरूरत नहीं है। तो बेसिकली फर्स्ट टाइम में इमेज अपलोड करनी है, सेकेंड टाइम जब आप अपडेट करेंगे तो इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जिस्टिंग इमेज विद फ्रिक्वेंसी नंबर 2 से उठा लेगा। सो मैंने सबमिट कर दिया, ओके। तो आप देखेंगे जहां जहां एक्सक्लेमेशन हमने ऐड किए हैं वहां पे एक्स ऐड हो जाएंगे। तो ये देखिए नमस्कार जी के बाद एक्सक्लेमेशन ऐड किया था एंड प्रणाली है के बाद एक्सक्लेमेशन ऐड किया था। राइट, तो आपने देखा इस तरह आ गया है हमारा डेटा यहाँ पे। अब हम चलते हैं एक फेस्टिवल के मैसेज में। हमने क्लिक किया फेस्टिवल, तो बेसिकली फेस्टिवल में क्या क्या मैसेजेस जा रख सकते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट है। इसमें आप डिफाइन कर दीजिए कि किस डेट का क्या मैसेज है। तो सपोज अगर मैं आज की बात करता हूँ तो आज की डेट में जो मैसेज होगा वो मैं आज का डाल देता हूँ। लाइक मैंने 15 कर दिया, परफिक्स में मैंने डिफाइन कर दिया कि दोनों नेम जाएंगे और मैंने कर दिया हाय। दिस इज अबाउट द न्यू लॉन्च ऑफ सॉरी लॉन्च ऑफ सेल्स नर्चर सिस्टम, सेल्स नर्चर सिस्टम। तो बेसिकली गाइस आप कहते हैं कि मुझे सेल्स नर्चर सिस्टम को बोल्ड करना है, तो सिंपल वही एस्ट्रिक्स आप ऐड कर दीजिए फ्रंट में और एंड में, तो वो उस पार्ट को बोल्ड कर दे, बोल्ड कर देगा। अब बेसिकली मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया ये कुछ इस तरह के इमोजीज, राइट एंड कोई इमेज है तो आप इमेज भी डाल सकते हैं। ऑन अपडेट दिस डोंट बी कंपल्सरी, लाइक इसमें इमेज डालना कंपल्सरी नहीं है। राइट, अब ये इमेज डालना कंपल्सरी किस पार्ट पे नहीं है, जब आप अपडेट करेंगे नोट 4 की, जब आप पहला कोई मैसेज ड्राफ्ट कर रहे हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल लेता हूँ कुछ भी और मैंने ओपन किया। राइट, अब मैं सबमिट कर देता हूँ उसको, रिकॉर्ड स्टोर। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे हिस्ट्री भी साथ ही साथ ही कि नंबर ऑफ फेस्टिवल्स के कितने हैं, लाइक डेटा हमने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है, नंबर ऑफ फेस्टिवल्स कितने यहाँ पे अपलोडेड हैं ऑलरेडी। राइट, सो ये दोनों पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए कि हम नर्चर का टेम्पलेट कैसे जनरेट कर सकते हैं, फेस्टिवल का टेम्पलेट कैसे जनरेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं बेसिकली हिस्ट्री की, या बात करते हैं हम
सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब के। मैं गया हिस्ट्री कॉन्सेप्ट में, और हिस्ट्री में मुझे एक ऑप्शन मिलेगा कि जितने भी मैसेजेस ऑलरेडी सिस्टम ने भेज दिए अब तक, वो सारा डेटा यहाँ पे लाके दिखाएगा। ये सारे टेस्टेड डेटा है, तो टेस्टिंग डेटा दिखा रहा है यहाँ पे। अगर आपको सर्च करना है बाय मोबाइल नंबर बाय नेम, तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, तो उसके नाम से उसका डेटा रिट्रीव होकर आ जाएगा। राइट, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं अपना नंबर डाल रहा हूँ 8716, तो आप देखेंगे मैंने इतना डाला है, मेरा डाटा आ गया। अगर लाइक मैं यहाँ पे डालता हूँ स्वीटी, तो स्वीटी का सारा आ गया, एंड देन शैलेंद्र का नहीं है, अजय करूंगा तो अजय का जाएगा। राइट, तो ये सर्चेबल ऑप्शन दिया हुआ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई क्लाइंट आपको कहता है कि सेल्स नर्चर में आपके बहुत सारे मैसेज आते हैं, प्लीज आप इनको ब्लॉक कर दीजिए या स्टॉप कर दीजिए, मुझे मैसेजेस नहीं चाहिए। राइट, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, अनसब्सक्राइब पर क्लिक करेंगे, और उस पर्सन का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मोबाइल नंबर डालने की कोशिश करूँ, तो इसमें आप एक चीज देखिए, जब आपने यहाँ पे 80 टाइप किया, तो डेटाबेस में जो नंबर ऑलरेडी स्टोर्ड है लीड से रिलेटेड, वो सारा यहाँ पे रिट्रीव होकर आ जाएगा। तो अभी मैंने 80 टाइप किया, तो जो अगर वो पर्सन कहता है कि मेरा नंबर है 8010288670, तो जब वो पूरा नंबर आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो मैच करेगा। अगर वो नंबर डेटाबेस में है ही नहीं, तो मैच नहीं करेगा। सो दैट मीन्स कि आप जो एंट्री पास कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन और अनसब्सक्राइब की, वो 110% लाइक मैचिंग बेस वर्क करेगा। सो आपने क्लिक किया यहाँ पे 8010 और ओके किया, एंड मैं आपको वापस लेके चलता हूँ एक बार सेल्स सिस्टम पे। तो आप यहाँ पे देखेंगे दो एंट्रीज हैं हमारे पास। राइट, दोनों में अलग अलग नंबर हैं। अभी मैं आपको दूसरा नंबर भी डिटेल, और यहाँ पे सब्सक्रिप्शन स्टेटस ब्लैंक है। राइट, तो मैं वापस चलता हूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मुझे एक दूसरा नंबर ब्लॉक करना है। एक्चुअली 9 मैंने डाला, तो आप देखेंगे 9560 क्या आ गया। 9560 स्टैंड फॉर स्वीटी काजला, 9465 स्वीटी काजला है, और 8010 अजय है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे 9 5 किया, तो आप देखेंगे मेरा वही डेटा आउट क्या आ रहा है, रेस्ट को डेटा आएगा ही नहीं। मैंने 8010 किया, ओके किया, और मैंने कह दिया मुझे अनसब्सक्राइब करना है। आर यू श्योर? मैं कहा ओके, तो मेरा मैसेज आ जाएगा कि द अनसब्सक्राइब्ड, योर मोबाइल नंबर इज अनसब्सक्राइब्ड। राइट, ओके, वापस चलते हैं सेल्स सिस्टम पे। तो आप देखेंगे जो नंबर था अजय का, उसमें लास्ट में अनसब्सक्राइब्ड लिखा हुआ आ गया। अब इस नंबर पे किसी भी तरह का कोई भी मैसेज नहीं जाएगा। राइट, सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ, मुझे इसको सब्सक्राइब कराना है और स्वीटी को अनसब्सक्राइब करना, तो मैंने क्लिक किया सब्सक्राइब, तो सिस्टम पूछेगा सब्सक्राइब में किसको सब्सक्राइब कराना है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट, जितने भी नंबर अनसब्सक्राइब किए होंगे वो सारे यहाँ पे आपको दिखेंगे। मैंने ओपन किया, सब्सक्राइब पे डन कर दिया, वापस मैं आपको दिखाता हूँ शीट, तो सब्सक्राइब हो गया ये, और फिर से दिखाऊंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन में पहले अनसब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा था, ये हट गया। अब बेसिकली मुझे किसका करना है सब्सक्राइब, मुझे करना है अनसब्सक्राइब स्वीटी का। तो मोबाइल नंबर क्या था, 9560 20, रेस्ट रेस्ट रेस्ट, सबमिट किया, ओके डन। वापस चलते हैं शीट पे, तो आप देखेंगे अब अजय का सब्सक्राइब नहीं है, स्वीटी का सब्सक्राइब है। राइट, सॉरी, अनसब्सक्राइब नहीं है, अब स्वीटी का अनसब्सक्राइब हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं वापस स्वीटी को सब्सक्राइब करा देता हूँ। तो पहले आपने देखा, जब मैंने नंबर डाला था, अजय का नंबर आया था 80, अब मैं स्वीटी का नंबर दिखाऊंगा आपको, स्वीटी का नंबर आ रहा है, मैंने कर दिया सब्सक्राइब, ओके डन। तो बेसिकली मेरा यहाँ पे देखिए अनसब्सक्रिप्शन हट गया। राइट, तो अब चलते हैं ये मैसेजेस कैसे पुश करेगा, क्या मैसेज रहेगा इसका, मैं वो भी आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। सो गाइज, मैसेज जाने के बाद हमारा यहाँ पे सिस्टम प्रिंट करा देगा कि द मैसेज हैज बीन पोस्ट। राइट, सिमिलरली आपको मैसेज 1, मैसेज 2, दो मैसेजेस हैं, तो जब मैसेज 1 जाएगा तो उसका ट्रिगर टाइमर आएगा, मैसेज 2 जाएगा तो उसका टाइमर आएगा। तो अभी के केस में हम क्या करते हैं, हम पहले अजय को अनसब्सक्राइब करते हैं, सॉरी, और उसके बाद हम मैसेज भेजेंगे। सो बेसिकली मैंने अजय को अनसब्सक्राइब कर दिया, एंड डन, ग्रेट। अब मैं चला गया हूँ अपनी शीट पे, तो आप देखेंगे यहाँ पे अनसब्सक्राइब है। राइट, और मेरा टास्क भी आ ही गया हुआ है। क्या टेम्पलेट में कोई डिफाइंड है अभी? तो मैं टेम्पलेट में क्या, तो मैंने देखा एक का टास्क है बेसिकली यहाँ पे, जबकि एक की फ्रिक्वेंसी मिलेगी नहीं, क्योंकि आज ही लीड आई हुई है और आज ही बेसिकली टेम्पलेट कॉपी हमने ऐड किया हुआ है। तो मैं यहाँ 0 कर देता हूँ, 0 स्टैंड फोर की अगर कोई भी लीड अभी आई है तो उसका मैसेज अभी चला जाएगा। अभी तो अभी केस में क्या है, उसमें फिर उसको ट्रिगर सेट रहेगा, वो डेली ब्याह पर ट्रिगर रन करेगा, ना कि हर मिनट के ब्याह पर। तो आप देखेंगे यहाँ पे
जीरो कर दिया मैंने, मैं लीड्स में गया और मैं एक अभी बेसिकली क्या गया, इसकी सिस्टम को लाइव नहीं मैंने किया हुआ है, तो अभी मैं इसको बेसिकली लाइव इन द सेंस ऑफ कि हमने कोड जो है वो ट्रिगर डिफाइंड किए हुए हैं कि ट्रिगर के बिहाफ पर ही ये कोड एग्जीक्यूट होगा कितने से कितने बजे तक, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब ट्रिगर डिफाइन करने के लिए आपको शीट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप क्या करेंगे यहाँ पे देखिए हमने ऑप्शन दिया हुआ ट्रिगर सेट ट्रिगर का, तो आप इस पर क्लिक करेंगे सेट ट्रिगर। सेट ट्रिगर क्लिक करेंगे तो सिस्टम आपसे पूछेगा कि कितने बजे और कौन सा ट्रिगर सेट करना है। बेसिकली दो से ट्रिगर सेट होंगे, एक ट्रिगर अपना सेट होगा फेस्टिवल का, एक ट्रिगर नर्चर का। तो आप देखेंगे कि ऑलरेडी ट्रिगर सेट है, नर्चर का ट्रिगर सेट है 9 का 9 AM और फेस्टिवल का ट्रिगर सेट है 10 AM का। तो मैं इसमें जाके कहता हूँ ठीक है मुझे 9 नहीं करना है, मुझे करना है बेसिकली इसको 11 to 12 नर्चर को, और फेस्टिवल को भी करना है मुझे 11 to 12, और मैंने कर दिया। लाइक फेस्टिवल को हम कर देते हैं 13 यानी 1 बजे का, राइट, और मैंने तो कर दिया एड ट्रिगर डन, राइट, ट्रिगर क्रिएटेड। ओके मैं वापस एक बार ट्रिगर पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे मेरा जो ट्रिगर सेट हुआ है उसका जो लेटेस्ट टाइम स्टैम्प है वो उठ के आ जाएगा। तो आप देखेंगे नर्चर ट्रिगर सेट 11 बजे का, फेस्टिवल ट्रिगर सेट 13 बजे का। तो जिस भी टाइम पे हम एक बार ट्रिगर सेट करेंगे ऑटोमेटिकली नर्चर और फेस्टिवल के मैसेज उसी टाइम पे पुश होने शुरू हो जाएंगे, राइट। वापस चलते हैं एक बार सेल्स लीड पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा नंबर 1 अनसब्सक्राइब्ड है, 1 सब्सक्राइब्ड है। मैं वापस गया सिस्टम पे और मैंने इसको कह दिया कि व्हाट्सएप पुश करे, ये मैं बेसिकली मैनुअली कर रहा हूँ अभी आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे अजय के नंबर पे ना जाके स्वीटी के नंबर पे मैसेज चला गया, एक ये मैसेज गया है, राइट, मैसेज नंबर 2 गया है, कितने बजे गया मतलब कौन सी फ्रिक्वेंसी गई है, फ्रिक्वेंसी नंबर 0, राइट। आगे चलते हैं फ्रिक्वेंसी नंबर 0 और यहाँ पे अनसब्सक्रिप्शन नहीं है हमारा इसलिए मैसेज गया। अब चलते हैं एक बार मैं आपको हिस्ट्री में लेके चलता हूँ और मैं वहां दिखाता हूँ कि बेसिकली जो मैसेज गए हैं क्या वो हिस्ट्री में उनका नाम आया है। तो मैं बैक कर लेता हूँ हिस्ट्री। सो गाइस अभी आप देखेंगे मैं राइट या सबसे लास्ट में अगर हम इसको लेके जाएं तो लग मैं अगर कर देता हूँ आज का 15, APR, तो 15 APR में आप देख लीजिए स्वीटी काजला को लास्ट के मैसेज पुश हुए, लाइक टेम्पलेट आईडी उनकी 1 है, आप देख पा रहे हैं 12:50:33, 12:50:33, स्मार्ट आईटी बॉक्स कंपनी का नाम था, स्वीटी काजला को इस नंबर पे टेम्पलेट आईडी 1 का मैसेज गया है। सो बेसिकली गाइस टाइम देखिए टाइम क्या है, टाइम है इसका 12:50:33, राइट। तो यहाँ पे आप क्या टाइम देख रहे हैं 12:50:33, राइट, दो मैसेज गए हैं टेम्पलेट सॉरी मैसेज नंबर 1 मैसेज नंबर 2 यानी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, और इसमें टेम्पलेट कौन सा गया तो टेम्पलेट देख लेते हैं, टेम्पलेट नंबर टेम्पलेट आईडी 1, तो 1 आईडी अपने आप को पुश हो गई। अब गाइस इसी केस में क्या करता हूँ मैं 0 कर देता हूँ नीचे वाले को और ऊपर वाले को मैं 1 कर देता हूँ और फिर से मैं मैसेज पुश करूंगा, बट इस केस में मैं दोनों को मैसेज पुश करना चाहता हूँ। सो बेसिकली मैं दिखा रहा हूँ आपको एक कॉन्सेप्ट कि अगर सिस्टम वर्क करेगा तो किस अकॉर्डिंग वर्क करेगा। मैनुअली व्हाट्सएप में इसलिए पुश करा रहा हूँ क्योंकि इसका ट्रिगर जो सेट है उस ट्रिगर तक अगर मैं वेट करूंगा तो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। सो राइट गाइज वापस चलते हैं एक बार हिस्ट्री पे और जो नंबर हमारा सब्सक्राइब नहीं है उसको सब्सक्राइब कर देते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब में मैं गया, मुझे सॉरी मैंने कहा सब्सक्राइब करना है, तो यहाँ पे मेरा सिस्टम बता देगा कौन सा नंबर सबसे करना है, तो ये ऑटोमेटिकली आ गया, सबमिट कर दिया, ओके डन। वापस चलते हैं सिस्टम पे तो आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन हट गया। अब गाइस दोनों को मैसेज जाएगा कौन सी फ्रीक्वेंसी जाएगी जिसमें मैंने टेम्पलेट आईडी डिफाइन की हुई है 0, राइट। वापस गए इस पे और मैं मैसेज पे गया हूँ, मैं कोड पे चला गया और मैंने रन कर दिया। अब मैं वापस शीट पे लेके चलता हूँ आपको, तो आप देखेंगे मेरे टाइमर्स चेंज हो जाएंगे और ऊपर के टाइमर्स पे आ जाएंगे, लाइक 12:50:33, राइट। अब हो गया 12:33, 12:53:18, 12:53:20। आप देखेंगे हर एक मैसेज से दूसरे मैसेज के बीच में एक एक सेकंड का गैप है, एवरी सेकंड एक मैसेज पुश हो रहा है। यहाँ पे सिस्टम ने दिया फ्रिक्वेंसी क्या है, 0 फ्रिक्वेंसी वाला मैसेज गया है। ओके आगे चलते हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ हिस्ट्री में।
कि क्या मैसेज गया है, तो हिस्ट्री भी इसकी रियल टाइम अपडेट होती है। मैं यहाँ पे करता हूँ 15th of April, तो आप देखेंगे पहले स्वीटी काजला का आ रहा था, अब अजय का भी ऐड हो गया है, राइट। तो अजय को भी दो मैसेज गए हैं, स्वीटी को भी दो मैसेज गए हैं, दोनों बंदों को मैसेज गए। पहले 12:50 का ट्रिगर था, अब 12:53:16, 12:53:16, 12:53:18, राइट। तो हर एक सेकंड का यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किस सेकंड में कितने बजे कौन सा ट्रिगर किसको गया। तो यहाँ पे बेसिकली टेम्पलेट आईडी क्या गई है, दो। पहले एक थी टेम्पलेट आईडी जो स्वीटी हो गई थी, अब अजय को भी गई है और स्वीटी को गई है। टेम्पलेट आईडी क्या है, वो दो। टेम्पलेट आईडी दो में क्या है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ एक बार। टेम्पलेट आईडी दो में है ये वाला मैसेज, राइट गाइज। तो बेसिकली इस तरह ये वर्क करेगा। उसी तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ फेस्टिवल्स में टेम्पलेट आईडीज डिफाइन है यहाँ पे। तो इसमें आपको फ्रीक्वेंसीज डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, जो भी डेटा आप यूआई से डालोगे सिस्टम उस दिन ऑटोमेटिकली लूप लगाएगा और चेक करेगा कि किस दिन कौन सा फेस्टिवल आ रहा है और उसका मैसेज क्लाइंट को भेज देगा, राइट गाइज। तो ये है बेसिकली सेल्स लीड नर्चर सिस्टम विद कंप्लीटली यूआई बेस्ड। इसमें आपको शीट पे जाके कुछ भी नहीं करना गाइज, जैसा मैंने आपको दिखाया शीट पे मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए हुए हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे अभी मैसेजेस भेजने हैं बहुत सारे, तो मेरे पास कुछ डेटा है, मैं आपको डायरेक्टली मैसेजेस पुश करके भी दिखा देता हूँ एक बार। सो लाइक मैंने यहाँ पे आके कुछ डेटा पेस्ट कर दिया, ये मेरा डेटा पेस्ट हो गया इस पे आके, और मैं एक बार अपने फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ ये। तो आप इसमें देखेंगे कि मेरा 15th की यानी आज की डेट है और ये मेरे टेम्पलेट्स हैं। मैं सब पे एक बार मैसेज पुश करा देता हूँ, मैंने किसी को भी अनसब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, राइट। तो अब मैं इस मैसेज को कैसे भेजूंगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइक मैंने क्लिक किया अपने कोड पे और मैंने चेक कर लिया कि अगर 15th के ही सारे मैसेज आए हुए हैं, और तो मैं अपने टेम्पलेट को भी चेंज कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे फ्रिक्वेंसी में 0 कर देता हूँ, इसको 1 कर देता हूँ। तो बेसिकली मेरे सभी जो कनेक्ट पर्सन है जिनके नंबर है मेरे पास, उनको ये वाला मैसेज चला जाएगा। So, कैसे, हम गए यहाँ पर राइट और वापस जाके सिर्फ एक कोड एग्जीक्यूट कर देना, डन। वापस चलते शीट पे, तो आप देखेंगे सबके टाइमर चेंज होने शुरू हो जाएंगे और नीचे डेटा आना शुरू हो जाएगा हमारा, राइट गाइस। देखेंगे 56:13 हो गया, अब नीचे सबके पे टाइमर्स आने शुरू हो गए, राइट। कौन सा फ्रिक्वेंसी का मैसेज भेजा जा रहा है वो भी आप देख पाएंगे। ये देखिए एवरी सेकेंड मैसेज पुश हो रहा है, साथ के साथ मैं आपको एक बार अपना मोबाइल का एनी डेस्क लेके दिखा देता हूं कि मेरे मोबाइल से मैसेजेस जा रहे हैं, वो कैसे मैसेजेस जा रहे हैं। राइट गाइज, तो मैंने ये अपना मोबाइल एक्सेस कर लिया, मैं अपने मोबाइल पे हूँ। सो बेसिकली आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैसेजेस जाएंगे और ऑलरेडी मैसेज जा रहे हैं, 12:57, 12:53 सब पे मैसेजेस गए हैं कंप्लीटली। मैं अगर इस विंडो को और थोड़ा छोटा, आप देखिए अविनाश जी को मैसेज पुश हो गया। मैं इस पर किसी भी मैसेज पर अगर क्लिक करके दिखाऊँ आपको, कोई भी एक मैसेज ओपन करके दिखाता हूँ मैं, लाइक अविनाश जी का दिखाता हूँ, तो इस तरह का एक मैसेज गया है। ये देखिए पहला मैसेज इंग्लिश में गया हुआ ऊपर, राइट। डियर अविनाश, ग्लैड टू इन्फॉर्म यू वी हैव लॉन्च अ सेल्स सीआरएम मॉड्यूल। सेल्स सीआरएम मॉड्यूल क्या है वो हमने डिफाइन कर दिया इसमें, राइट। और बेसिकली नीचे आप देखेंगे तो हिंदी में भी सेम चीज मैंशनड है। तो इस तरह करके हमारा मैसेज गया। मैं कोई दूसरा मैसेज भी दिखा देता हूँ सेम अंकुर, तो इसको इनको भी देखिए, इनको भी सेम मैसेज गया हुआ है, राइट। इससे ऊपर एक डिफरेंट मैसेज गया हुआ था। तो ये बेसिकली सिस्टम है। तो फेस्टिवल का मैसेज उसने भेजा है आज की डेट में, मॉर्निंग में गया ये ऑटोमेटिकली। उसके बाद नीचे गया हुआ है हमारा जो हमने अभी सेल्स लीड का सेट किया था इसका। सो गाइज इसी तरह आप देख पाएंगे सभी मॉड्यूल्स पर ऑटोमेटिकली सिस्टम वर्क करेगा
और सभी क्लाइंट्स को मैसेजेस भेज देगा। अब मैं अगर लास्ट एंड की बात करूंगा आपको दिखाऊं तो आप देख पाएंगे यहाँ पे सभी नंबर्स पर मैसेज जा चुके हैं, राइट गाइज। साथ के साथ अगर इसकी हिस्ट्री हम देखना चाहते हैं, हम वापस चलते हैं हिस्ट्री वाले पैनल पे, हिस्ट्री अपडेट करते हैं, तो आप देखेंगे अभी हिस्ट्री में जहाँ कंपनी में बेसिकली स्मार्ट आईटी बॉक्स दिखा रहा था, अभी वो सभी क्लाइंट्स के नाम दिख जाएंगे जिन जिनको मैसेजेस गए हैं। मैं बेसिकली यहाँ पे डालता हूँ 15 अप्रैल का मुझे देखना है, तो आप देखिए एसटीएन डीआरबी सॉल्यूशन, स्मार्ट आईटी बॉक्स, अवंती ओवरसीज, राइट, जिस जिसको मैसेज। अब मैं यहाँ पे बेसिकली इसका इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ, लाइक मुझे देखने हैं 100 नंबर्स, राइट। तो आप देखेंगे नीचे मेरा ऑलरेडी सारा चेंज हो गया, सबके नंबर्स, नाम और मोबाइल नंबर हमको दिख रहे हैं किस किस को मैसेजेस गए हैं, राइट गाइज। सो गाइज दिस इज अ सेल्स नर्चर सिस्टम, आई होप यू लाइक इट, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट ऑन सिस्टम ऑटोमेशन। थैंक यू।